Hello students, my name is Rukaiya and I'm teacher of Fresh Bird School. Today I'm going to teach you moral values, chapter 5, accepting mistakes. तो ये स्टोरी जो है ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ और आप लोग जो है इसे घर पे अच्छे से रीड करना और सब। तो स्टोरी में एक बच्चा है जिसका नाम टॉम है, जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और कभी अपना होमवर्क नहीं करता है। तो एक दिन क्या होता है, टॉम के जो टीचर हैं वो उसे डांटते हैं। तो टॉम वापस जब अपने घर जाता है तो वो बहुत रोता है और अपनी मम्मी को बोलता है। उसकी मम्मी पूछती है तो वो क्यों रो रहा है, तो वो बोलता है कि उसकी टीचर ने उसको सबके सामने डांटा है, उसके सारे क्लासमेट्स के सामने, इसलिए उसे रोना आ रहा है। और ये वो बोलता है कि टीचर ने अच्छा नहीं किया मुझे डांट कर सबके सामने। तो जब टॉम की मदर ने उसे पूछा कि क्यों डांटा, उसने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया था इसलिए। तो टॉम की मदर बोलती है तो इसमें गलत ही क्या है, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हारी मिस्टेक है। तो ये सब टॉम को अच्छा नहीं लगता है, ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। तो उसी रात क्या होता है, टॉम जो बिस्तर में लेटा होता है और वो सोचता है कि ये मैंने क्या किया, और उसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो जाता है और वो अपने बेड पे जाता है और सोचता है पूरी रात कि उसकी क्या गलती थी, उसने क्या मिस्टेक किया। और जब सुबह होती है तो वो उठता है और उठकर अपनी नोट्स बुक निकालता है और होमवर्क करता है और दौड़कर अपने मदर के पास जाता है कि उसने होमवर्क कर लिया है नाउ। तो ये देखकर जो है वो उसको रोना आ जाता है कि उसने अपने सारे होमवर्क कर लिए, और वो अपनी मदर को हग कर जो है उसने अपने टॉम ने अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट किया कि उसने क्या मिस्टेक किया। और नेक्स्ट डे से जो टॉम अपने सारे होमवर्क्स करता है और वो उसकी क्लासेस में उसको ए भी मिलता है, ए प्लस। और एंड नाउ टॉम हैड नॉट ओनली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक बट ऑल्सो लर्न अ लेसन। तो